आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट तोड़फोड़ में रेजिडेंट डॉक्टर्स यहां पर सड़कों पर उतर आए हैं। उनका जो गुस्सा है वो यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज चौथा दिन है जब जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कार्य बहिष्कार पर हैं। अब ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था यहां पर ठप है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने और एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोटा से ये बड़ी खबर है जहां पर बूंदी में नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंकने का मामला सामने आया है। कोटा के जेके लोर अस्पताल में नवजात का यहां पर इलाज चल रहा है, बालिका का उपचार, और सिर में चोट लगने से बालिका जो है वो गंभीर यहां पर चोटिल हुई है। 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने बालिका को जन्म दिया और स्कूल के बाथरूम में बालिका को प्रसव हुआ और उसके बाद नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंक दिया था। तो ये बड़ा मामला जो है वो कोटा से। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी के शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। के, ये नवजात बालिका को झाड़ियों में फेंकने का मामला जो है वो सामने आया है, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या ये पूरा मामला? देखिए, ये बूंदी का मामला है जहां पर एक नवजात बालिका झाड़ियों के अंदर सर्दी के अंदर ठिठुरती मिली थी और घायल अवस्था में मिली थी। और ये जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता थी जिसने बच्ची को जन्म दिया और उसने इसे झाड़ियों के अंदर फेंक दिया। और जब लोगों ने वहां पर देखा तो उसे एमबीएस अस्पताल जेकरोल अस्पताल के अंदर कोटा पहुंचाया। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है, वेंटिलेटर पर उसे रखा गया है। डॉक्टरों की टीम इसके लगातार मॉनिटरिंग में जुटी हुई है, साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल मामला पूरी तरीके से साफ है कि जो बच्ची है वो 2 या 3 दिन की नवजात है और वो फिलहाल उसकी हालत नाजुक है। उसे उसी दुष्कर्म पीड़िता ने जन्म दिया था जिसने उसे झाड़ियों के अंदर फेंक दिया था। फिलहाल जेकरोल अस्पताल के अंदर बच्ची का इलाज चल रहा है, हालत नाजुक बताई जा रही है। जी जी, क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।